रिमोट कहाँ है? संतु जी आपका फेवरेट फिल्म आ रहा है क्या? नहीं तो क्या रही टीवी पे जो इतना फुलफुला रही हो तुम? अरे वो आशीष जी और उनकी वाइफ का इंटरव्यू आने वाला है, तो सोचिए अपने थाने की कितनी तारीफ होगी। है काफी दिनों के खुद की तारीफ सुने हुए। अगर पुलिस ने थोड़ा सख्ती से काम लिया होता तो आपको आपका घर और पहले भी मिल सकता था। हाँ ये तो है, थोड़ा सख्ती दिखाया होता तो हमें इंसाफ और जल्दी मिल जाता। देखिए जो डर है ना ये बहुत जरूरी है। इंसान भगवान से डरता है तभी तो पाप करने से डरता है। ऐसे ही अपराधियों का पुलिस से डरना बहुत जरूरी है ताकि वो कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। मतलब आप मानते हैं कि महिला पुलिस ने ढिलाई से काम लिया? वो चाहती तो वर्दी की शक्ति दिखाकर आपको आपका घर उसी दिन दिला सकती थी जिस दिन आपने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हसीना मैडम के जज्बाती तरीके से ज्यादा ना करिश्मा मैडम का भौंकाल जरूरी है समाज के सुधार के लिए। तो देखा आपने, ये है महिला पुलिस थाने की सच्चाई। देख सकते हैं SHO हसीना मलिक किस लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से इस केस को हैंडल किया। किसी के घर में जबरदस्ती घुसपैठ करने वालों पर कानून का डंडा चलाने की बजाय, उन पर सख्ती से पेश आने की बजाय उन्हें जज्बात के लड्डू खिलाए जा रहे हैं। जो इंसाफ इन मजलूमों को बहुत पहले मिल सकता था वो हसीना मलिक के दही शक्कर रवैये की वजह से इतनी देर से मिला। लेकिन शायद हसीना मलिक ये भूल गई कि देर से मिला इंसाफ ही ना इंसाफी ही कहलाता है। देखा मैडम सर, आज जो बात पूरी दुनिया कह रही है कब से हम यही समझाने का प्रयास कर रहे थे। करेले को आप मीठी चाशनी में डुबोइए या मीठी चटनी में, करेला कड़वा ही रहेगा मैडम सर। जंगली फूलों को आप भगवान पे नहीं चढ़ा सकते हैं, उनको उखाड़कर बाहर फेंकने में ही अच्छाई होता है, नहीं तो वो पूरा जो जमीन है ना वो सड़ा देते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि जंगली फूलों को भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो घाव का लेप बनाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, एक सेटअप है। जानबूझकर इन लोगों के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और ये काम किसने किया है और क्यों किया है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, एक सेटअप है। जानबूझकर इन लोगों के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और ये काम किसने किया है और क्यों किया है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे थाने में चल क्या रहा है भाई? हाँ हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपने डिपार्टमेंट की छवि धूमिल करने की आप लोगों ने कसम खा रखी है क्या? ये अपने तौर तरीके पड़ी हैं और ये अपने जज्बातों के आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं। इस अंतहीन झगड़े पर कभी पूर्ण विराम लगेगा? हाँ पूर्ण विराम लगेगा, और ये पूर्ण विराम मैं लगाऊंगा। इसका एक सरल तरीका, सरल उपाय हमने सोच लिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस उपाय से सहमत होंगे अच्छी तरीके से। इस समस्या का हल हम नहीं निकालेंगे, इस समस्या का हल हमारे लखनऊ शहर की जनता निकालेगी। अब ये लखनऊ शहर की जनता ही तय करेगी कि हसीना मलिक के तौर तरीके से ये थाना चलेगा या SI करिश्मा सिंह के तौर तरीके से ये थाना चलेगा। हमने एक एजेंसी को भी अनुबंधित किया है जिसका काम है वोटिंग को इकट्ठा करना और पोलिंग की व्यवस्था करना। ये पोलिंग 15 दिनों तक चलेगी, 16वें दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। जो जितने भारी मतों से जीतेगा थाना उसी के तौर तरीके से चलेगा। देखिए पहली बार रिश्वत लिया इसलिए इस बार माफ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार बीवी के चक्कर में आके कोई चूरन गिरी किया तो मैया कसम बता रहे हैं कि सीधा जेल में डालेंगे, माफी नहीं देंगे। क्या समझे? समझ गए मैडम, कभी नहीं करेंगे मैडम। अम्मा कसम, पहली बार जो किए हैं उसी के पछतावे में दबे जा रहे हैं, दोबारा क्यों करेंगे? मैडम हम जाए? जाओ। एक मिनट। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है। हमें एक बात बताओ, तुम इतना डरते काहे हो? राधा रानी से? हाँ राधा रानी से इतना काहे डरते हो? उसको समझा दो ना कि भैया तुम्हारे जो इतने खर्चे हैं वो मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, तुम्हारे इतने खर्चे हैं मेरे इतना इनकम है। उसको अच्छे से समझा दो, वो समझेगी। बेसिकली कहना चाहती है मैडम कि तुम्हारे औकात से वो बाहर है। हाँ। और तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? हाँ तो काम करो ना अपना जाके। चाहे दो ना। नहीं बता सकते,
देखिए, हम बहुत प्रेम करते हैं अपनी राधा रानी से। हम नहीं चाहते कि हमारी किसी बात का उसे दुख हो। तो राधा रानी को एक पेपर लो, पेन लो, अपने फीलिंग्स जो है उसमें लिखो और उनको दे दो। और पढ़ के नाराज हो गई तो, हमें छोड़ के चली गई तो? अरे जाने दो ना उसे, वैसे भी तेरी औकात नहीं उसे रखने की। क्या बात, क्या बात। कहां जाएगी, धर्म पत्नी है तुम्हारी। ये सब गीदड़ भपकियां होती है जो हम भी अपने पति देव को टाइम टू टाइम देते रहते हैं। उसको समझाओ, उसको बताओ अपनी दिक्कत, वो समझेगी। पत्नी है, सहयोग भी करेगी, सच में। ठीक है मैडम, जैसा आप कहती हैं, हम लिख के उसको भेज देंगे। मैडम वैसे बहुत अच्छी हैं आप। हैं? धन्यवाद। अच्छा लगा हमें ये सब देखकर। अच्छा लगा कि आपने इतने प्यार से उसे समझाया। क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह, आपको लगता है कि ललित जी की बीवी सच में इतनी सुलझी हुई और समझदार इंसान है कि सिर्फ उनका मैसेज पढ़कर समझ जाएंगी कि वो कितने ज्यादा परेशान है? आपको लगता है ऐसा होगा? कहीं ये पूरी बात उल्टी पड़ गई तो, अगर वो सच में गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई तो? मैडम सर, तो क्या वो इसी तरह जीते रहे क्या? ऐसे ब्लैकमेल होते रहे हमेशा? आज रिश्वत लेने के लिए बोला है, कल डाका डालने के लिए कह देगी, फिर गलत बात है ना, इसको तो रोकना पड़ेगा। ये जो डर है ना, इसका डटकर सामना करना पड़ेगा। मतलब हमको यही ठीक लगा। हमारी तरफ से केस सॉल्व है, मतलब हमारी तरफ से टंटा जो है ये सिमट गया है। हमें नहीं लगता कि ये केस अभी तक सॉल्व हुआ है। मैडम, मैडम, करिश्मा मैडम, अपना यमराज वाहन निकालिए, मतलब अपना बाइक निकालिए, हमें कस्टमर क्लियरेंस ऑफिस जाना है। काहे? काहे काहे क्या, जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं। आपके पति देव ने पार्सल भेजा है दुबई से, मोबाइल, वो तो वही है ना, लेना है कि नहीं? लेना है। तो चलिए। जैन मैडम सर। जैन मैडम सर। क्या हुआ मैडम सर, आप क्या सोच रही हैं? पुष्पा जी, हम ये सोच रहे हैं कि हम हमेशा औरतों की तकलीफ, उनके साथ हो रही जाती, उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन मर्दों का क्या? उनके बारे में तो शायद ही हमने कभी सोचा है। अच्छी नौकरी पाना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना, पत्नी के, बच्चों के सारे डिमांड्स को पूरा करना, ये कितना बड़ा प्रेशर है। और पत्नी भी तो पति को उसकी कमाई से ही जज करती है, इस बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम सर, मगर सभी औरतें ऐसी होती है ये हम नहीं मानते, और अपनी बहू के लिए तो हम हरगिज ऐसा कह सकते हैं। सच में ये बात तो हम भी मानते हैं कि करिश्मा सिंह लाखों में एक है। जिससे भी रिश्ता बनाती है ना, पूरी शिद्दत से निभाती है, और आपके लल्ला सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो उन्हें करिश्मा सिंह जैसी बीवी मिली। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.